नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सैनी स्वागत करता हूं हमारे चैनल लेटेस्ट मूवमेंट पीएस में। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए शानदार सी ट्रेनिंग, जिसमें हम बात करेंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि अभी प्रेजेंट में हम सबने सुना होगा, चारों तरफ एक ही चीज चल रही है, मार्केटिंग। लेकिन हम कमेंट्स मारते जा रहे हैं उन चीज पे, कमेंट्स बहुत सारे मारते हैं कि क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला है, इनमें क्या पड़ा है, क्या कर लेंगे ये करके, क्या बनेंगे ये करके, सब फिजूल की बातें हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें सही मायने में अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में असल में होता क्या है हमें मालूम नहीं है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी ट्रेनिंग लेके आया हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मैं लेके चलता हूँ इस ट्रेनिंग में नेटवर्क मार्केटिंग हमें इस दौर में क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है हमें नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलते हैं हम फर्स्ट स्टेप पे और बात करते हैं कि क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि यहां पर हमें मिलती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में बता देता हूँ आपको क्या होती है। पहले हम इनकम की बात करते हैं। इनकम होती है भैया दो प्रकार की, जिसमें हम एक को बोलते हैं एक्टिव इनकम और दूसरी को बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या होता है कि जब तक हम सही सलामत हैं और जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारे पास में पैसा आएगा। जब तक हमारे हाथ पे सलामत है और जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, अन्यथा हम अगर घर बैठे रहे तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा। एक शॉपकीपर है, उसने दुकान खोल ली, वो घर पे बैठा है, क्या उसकी दुकान चलेगी? जी भैया नहीं चलेगी, उसके पास पैसा भी नहीं आएगा, दुकान तो बंद पड़ी है। डॉक्टर है, डॉक्टर क्लिनिक में जाएगा तब पैसा आएगा, घर पे बैठा रहेगा तो पैसा थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। शॉपकीपर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, एम्प्लॉयड हो गया, ये लेते हैं सारे एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम में जैसे इन्वेस्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, लेखक हो गए। और अगर एक चीज़ और बची है जिसके बारे में हम बात करते हैं जो पैसिव इनकम देती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हमको मिलती है पैसिव इनकम। अगर एक बार हमने नेटवर्क बना दिया, उसके बाद आने वाली जनरेशन तक पैसा मिलता रहेगा, चाहे हम रहे या ना रहे। बस करना क्या पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये होती है पैसिव इनकम जो मिलती है हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने से। आगे सेकेंड स्टेप में मैं लेके चलता हूं आपको, बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। यानी कि इस बिजनेस में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा इसमें यार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्क उसमें होता है जब हम लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर तो कुछ लगाया भी नहीं है। लगाया क्या है, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हमें एफर्ट्स लगाना है, नेटवर्क बिल्ड करना है और कुछ नहीं करना है, कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते। तो इस बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है, हम आसानी से इसे बिल्ड कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक चीज की बढ़ती है, वो होती है हमारी मेहनत, हमारा जोश,
हमारा जुनून कि हम कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। आगे लेके चलता हूं मैं, यू कैन स्टार्ट नाउ। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि हमें मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा कि हम अगले साल करें या अगले महीने करें या मंगलवार को करें या शनिवार को करें या बुधवार को करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप जब चाहो स्टार्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट करते हो। लेकिन जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने जल्दी ही आप फायदेमंद रहोगे, उतना जल्दी ही आपको फायदा मिलेगा। जल्दी स्टार्ट कर लिया तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, लेट स्टार्ट किया तो थोड़ा लेट होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। आगे लेके चलता हूं मैं, पार्ट टाइम बिजनेस। जब हम किसी और को भी समझाते हैं तो क्या बोलते, भैया मैं तो ये काम कर रहा हूं और मैं यही कर रहा हूं, इसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं करना, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, ये कैसे करूंगा मैं। तो भैया मैं बता दूं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, हम फुल टाइम भी करें, फर्स्ट टाइम ही फुल टाइम करें, ये कोई ज़रूरत नहीं है, हम पार्ट टाइम से फुल टाइम ले सकते हैं। जो भी हम हमारा वर्क कर रहे हैं उसके साथ में हम थोड़ा टाइम निकाल कर, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर हम हमारा शेड्यूल बनाकर इसे पार्ट टाइम भी बिल्ड कर सकते हैं। और जब आपको अपने जो भी आप अपना पहले से कर रहे हो वहाँ जो इनकम आपको मिल रही है वो इनकम यहाँ से आपको मिलने लग जाए, तब आप इसे फुल टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब चाहो तब चाहो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, और पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, यह बिजनेस किसी भी तरह से किया जा सकता है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, नो एक्सपेंस रिक्वायर्ड। अरे यार मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं कैसे कर लूंगा इस बिजनेस को, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तेरे को तो सब कुछ आता है, तू तो बता भी देता है बोल भी लेता है, लेकिन मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो भैया बोल देता हूं आपको, नो एक्सपेंस नो प्रॉब्लम। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं है कि ये होना ही चाहिए, बस 18 प्लस एज होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करो स्टार्ट कर सकते। एक भिखारी भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास आधार कार्ड है तो। किसी भी प्रकार के एक्सपेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सपेंस अपने आप हो जाता है जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। धीरे 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 जब हमारी टीम बिल्ड होगी, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, तब अपने आप हमको एक्सपेंस हो जाएगा, और हम भी जिस तरह से आपको समझा रहे हैं उसी तरह से आप भी दूसरों को आसानी से समझा पाओगे। तो किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे के वैसे यहाँ जाओ। आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप पे, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप प्रेजेंट टाइम जो भी वर्क जो भी आप नौकरी वगैरह कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, क्या उससे आपने कभी दूसरों की हेल्प की है? कभी पैसों को लेकर हेल्प नहीं, पैसे दे दिए भैया मैं तो देता हूँ उसको, उसने भी मांगे थे। अगर पैसे देकर अगर आपने किसी की हेल्प की है तो आपने उस आदमी को मतलब खराब कर दिए,
क्योंकि एक बार हमने अगर किसी को पैसे दे दिए तो वो आदमी ये सोचता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो अगला, वो सोचता है कि यार हमको तो दे ही देगा वो, और पैसे देने भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि हम उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भैया मेरे पास देख पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं पैसे कमाने का एक ऐसा जरिया है जो तुम्हें दे सकता हूँ, और तुम यहाँ से जितना चाहो पैसा कमा सकते हो, जितना चाहो पैसा तुम यहाँ से कमा सकते हो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो, आप अपने ड्रीम हाउस भी ले सकते हो, आप अपने सपनों की कार भी ले सकते हो, और अब जितने भी आपके सपने हैं वो यहाँ से आप पूरे कर सकते हो। तो इससे हम किस हर व्यक्ति की, हर एक आदमी की, हर एक की मदद कर सकते हैं। कैसे? ये अपॉर्चुनिटी शेयर करके। आगे लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिकॉग्नाइजेशंस एंड एप्लीकेशंस, यानी कि मान और सम्मान। मान और सम्मान, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा तो मिलता ही मिलता है, पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन पैसों से बढ़कर भी एक चीज होती है जिसे मान सम्मान बोल सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं, हद से भी ज्यादा मिलती है। ये चीज ऐसी है कि सबसे ज्यादा मिलती है, बहुत मान सम्मान मिलता है हमको। तभी तो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब हमें मान सम्मान मिलता है, हम एक स्टेज पे खड़े होते हैं और सामने हजारों लोग बैठे हों और वो हमारे लिए, हमारे पास आते हैं, ऑटोग्राफ, सेल्फी, ये इस बिजनेस की पावर है, मान सम्मान बहुत ज्यादा, जितना देंगे उतना लेंगे। आगे लेके चलता हूँ आप एट पे, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। कैसे? जैसे इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में हम आते हैं, हम अपना पहला कदम इस इंडस्ट्री में रखते हैं, तो हम हमें खुद को देख लेना चाहिए, एक बार आईने के सामने आकर एक बार खुद को देखिए, फिर जब आप काम करने लग जाओ 2-2.5 महीने बाद में अपने आप को खुद से देखो कि यार तू वही बंदा है जो पहले था। आईने से पूछना एक बार कि क्या यार तू वही बंदा है जो पहले था? क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी आ जाती, एक एटीट्यूड रहता है बिजनेस के प्रति, एक एटीट्यूड रहता है, पर्सनैलिटी आ जाती है, खुद में एक निखार सा आ जाता है, मतलब पूरे चेंज हो जाते हो, खुद को चेंज महसूस करते हो, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस भी होता है, आप लोगों से मिलते भी हो, आप क्या क्या सुनते हो, क्या क्या बोलते हो, सारी चीजें, मतलब आप सीखते भी हो साथ साथ में, साथ साथ में सीखते भी हो, और सीख सीख के आप ऐसे बन जाते हो कि आप खुद को जब पूछते हो कि यार क्या मैं वही आदमी हूँ जो आज से 6 महीने या 12 महीने पहले था, तब आपको पता चलेगा कि यार वास्तव में पर्सनल ग्रोथ तो होती है। आगे लेके चलता हूँ मैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि इस बिजनेस में आने के बाद हम अपनी जिंदगी को, हम अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं रहता हमारा, कोई हमें ऑर्डर देने वाला नहीं रहता कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, तू इतनी बजे उठना ही पड़ेगा, तू अब जा, आज का तेरा ये टारगेट है। नहीं भैया, हम अपने मर्जी के मालिक रहते हैं,
और ये बिजनेस हमारा रहता है, हम जब चाहे काम करें तब चाहे ना करें, ये हम पे डिपेंड रहता है। फुल फ्रीडम रहती है, फुल टाइम स्पेंड रहता है, हम हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जब चाहिए काम कर सकते हैं, जितनी मर्जी हो उतना काम हम दिन में कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई आपको डंडा देने वाला नहीं है भैया कि तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस हमारा है भैया, किसी और का नहीं है, कोई डंडा नहीं करेगा। हम अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहे वैसे जी सकते हैं यहाँ से। तो ये भी एक सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारी जिंदगी को हम आसानी से आराम से जी सकते हैं। आगे लास्ट एंड फाइनल पे लेके चलता हूँ आपको, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, लीव ए लीगेंसी फॉर जनरेशंस, यानी कि हमने काम किया 3 साल 5 साल जितना चाहे हमने काम किया और हम खुदा ना खास्ता हम ना रहे तो ये जो बिजनेस है हमारे परिवार में से कोई भी कर सकता है। हम अपने परिवार के लिए एक लीगेंसी छोड़कर जा रहे हैं। हमें एक बार खुद को पूछना चाहिए कि क्या हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए कौन सा व्यापार छोड़ के गए, क्या छोड़ के गए जिसके सहारे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कुछ छोड़ के गए? 12 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 30 बीघा जमीन, 3 भाई 10-10 बांट लो, बस इतना। लेकिन यहाँ पे एक हम ये लीगेसी छोड़ के जाते हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जिससे वो भी अपने सारे सपने यहाँ से पूरे कर लेते। ये चाबी दिखाई दे रही है, ये चाबी देकर जाते हैं हम कि भैया आपको तो सिर्फ ताला खोलना है और बाकी आपकी सारी जिंदगी है ना उस दरवाजे के अंदर पड़ी है। आपको सिर्फ ये चाबी घुमानी है, आपके सारे ड्रीम्स आपके सारे सपने वहाँ पे अंदर है। आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी को जी सकते हो, जैसे चाहो। यह है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता क्यों करें, क्या मिलता है। तो भैया इससे बहुत कुछ मिलता है, हमको करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि हर एक बंदे को करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर इतना भयंकर तरीके से फैल चुका है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मतलब लगभग नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम जल्द ही एक और नई ट्रेनिंग के साथ में, शानदार सी, जबरदस्त सी, बेहतरीन सी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर डाले हुए हैं, वहाँ पे नंबर नोट कीजिए और मैसेज कीजिए। आपको अगर इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।